शीर्षे प्राइम टाइम बुलेटिन। फ्रांस में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बैठक। पीएम मोदी ने किया साफ, बोले पाकिस्तान के साथ मुद्दा द्विपक्षीय, किसी अन्य देश की जरूरत नहीं हमें। मोदी और ट्रंप की मुलाकात से तिलमिलाया पाकिस्तान, न्यूक्लियर हमले की दी धमकी, कहा कश्मीर पर हर हद तक जाएंगे, राष्ट्र के नाम किए गए संबोधन में कही बात। पी चिदम्बरम को एक बार फिर लगा झटका, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई 4 दिन की सीबीआई रिमांड। 30 अगस्त को चिदम्बरम को अदालत में किया जाएगा पेश, आईएनएक्स मीडिया केस से जुड़ा है मामला। सीबीआई कोर्ट ने कारोबारी रतुल पुरी की बढ़ाई 4 दिन की रिमांड। करीब 300 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड केस में आरोपी है रतुल पुरी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की हटाई गई एसपीजी सुरक्षा, अब सीआरपीएफ की सुरक्षा में रहेंगे मनमोहन सिंह। राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का जवाब, कहा मेरे निमंत्रण को व्यापार समझ बैठे राहुल। जम्मू पहुंचे राहुल गांधी को जम्मू हवाई अड्डे से कर दिया गया था वापस। नोएडा सेक्टर 25 के स्पाइस मॉल में लगी आग, जान माल का कोई नुकसान नहीं, दमकल की 4 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। फायर ऑफिसर्स का कहना है कि आग जो थी रेस्टोरेंट के टॉप फ्लोर पे रेस्टोरेंट पे लगी हुई थी, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पे काबू पाया है। अब अंदर ये देखना है कि अंदर जो फायर के इंतजाम थे, जो आग बुझाने के जो इंतजाम थे, वो कितने सही थे या नहीं थे। उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, आज लखनऊ में करेगी बैठक। जीत के बाद टीम को लेकर बोले कप्तान कोहली, कहा टीम के बिना कुछ भी संभव नहीं, वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 318 रनों से मिली है बड़ी जीत। लिनोवो स्मार्ट क्लॉक 5,999 तो स्मार्ट डिस्प्ले की 14,999 होगी शुरुआती कीमत। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।